कि मिस रमोना का ऑफिस कहाँ होगा? एक्सक्यूज मी, आप मुझे बता सकती हैं कि मिस रमोना कहाँ मिलेंगी? आप मुझे बता सकते हैं कि मिस रमोना कहाँ मिलेंगी? मुझे उनसे मिलना है. वहाँ पे. थैंक यू. नौकरी का पहला दिन है और अपना हुलिया देखा है, ऐसे झल्ली बन के जाएगी बॉस से मिलने. क्या हाल बना रखा है अपना. इश्क में तुम रमोना मैम को ढूंढ रही थी ना? हाँ, मैं उन्हें ढूंढ रही थी. खेल क्या रहा था? मैं पहुंच गया. नहीं, शो शाम में, इसके पहले मीडिया इंटरेक्शन. प्लस क्रिकेट लीग शुरू होने में अभी कुछ वक्त बाकी है, लेकिन शिवाय सिंह ओबरॉय की टीम सुपर स्मैशर्स अभी से सबकी हॉट फेवरेट बन चुकी है, और इसकी खास वजह है शिवाय सिंह ओबरॉय और मशहूर क्रिकेटर विराट सोलंकी. जी हाँ, क्रिकेट के प्रति शिवाय सिंह ओबरॉय का प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है. अक्सर उन्हें T20 मैचेस में स्पॉट किया जा सकता है. मिस्टर ओबरॉय, विराट सोलंकी के टीम में होने से सुपर स्मैशर्स एक सबसे मजबूत टीम मानी जा रही है, जो कि टीम का हर ओनर उन्हें खरीदना चाहता था, मगर ये बाजी मारी तो सिर्फ शिवाय सिंह ओबरॉय ने, जिन्होंने विराट को 20 करोड़ में खरीदा है, जो कि अब तक की सबसे महंगी बिड मानी जाती है. मिस्टर विराट, 10 सेकंड. मिस्टर शिवाय सिंह ओबरॉय ने आपको 20 करोड़ रुपए में खरीदा है, जो कि अब तक की हाईएस्ट बिड है. इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूंगा कि शिवाय सिंह ओबरॉय को यह सौदा बहुत सस्ता पड़ा. विराट सोलंकी की कीमत इससे बहुत ज्यादा है. मिस्टर ओबरॉय, विराट सोलंकी के लिए आपने इतने पैसे खर्च किए हैं, तो जाहिर आप उनके लिए कुछ उम्मीदें भी रखते होंगे. उम्मीदें सिर्फ एक प्लेयर से नहीं, बल्कि पूरी टीम से होती है. हाँ, सबसे उम्मीदें बराबर है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी विराट पर ज्यादा है, क्योंकि वो इस टीम का कैप्टन भी है. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी टीम की तरफ है, ना कि टीम के ओनर की तरफ. आई नो शिवाय सिंह ओबरॉय बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन लोग मैच मेरी वजह से देखने आता है. विराट सोलंकी का कहना है कि लोग मैच उनकी वजह से देखने आते हैं, ना कि टीम ओनर की वजह से. इसके बारे में आपका क्या कहना है? लोग मैच खेल के लिए देखने आते हैं, किसी एक खिलाड़ी के लिए नहीं. विराट सोलंकी जिस टीम के लिए खेलने वाला है, उसका नाम है सुपर स्मैशर्स, यानी कि मेरी टीम.
मेरी जर्सी के पीछे सोलंकी लिखा होगा बिकॉज विराट सोलंकी इज मच बिगर देन सुपर स्मैशर्स. यू नो प्लेयर्स जो जर्सी पहनते हैं ना उस पर प्लेयर का नाम पीछे होता है और टीम का नाम आगे, क्योंकि टीम हमेशा प्लेयर से ऊपर होती है. ये बात प्लेयर को हमेशा याद रखनी चाहिए. मिस्टर ओबेरॉय, अगर सच में टीम प्लेयर से ऊपर होती तो आप हर प्लेयर को सेम अमाउंट में खरीदते, नहीं? इसलिए इतना उछल रहे हो क्योंकि शिवाय सिंह ओबेरॉय ने तुम्हें 20 करोड़ में खरीदा है. Well, let me tell you, बिडिंग के वक्त मैंने तुम्हारी कीमत तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरी इज्जत की वजह से बढ़ाई, कि तुम्हारी तो इतनी औकात ही नहीं. शिवाय सिंह ओबेरॉय जिसको खरीदता है ना उसकी कीमत बढ़ जाती है. प्ले सेफ प्ले फेयर. अपनी बदमिजाजी की वजह से जाने जाते मिस्टर विराट सोलंकी ने मिस्टर शिवाय सिंह ओबेरॉय को भी नहीं बख्शा, मगर वहीं मिस्टर ओबेरॉय ने दिखा दिया कि असली टीम ओनर होता क्या है. मिस्टर विराज, एक टीम में एक ही स्टार हो सकता है. एंड आई एम सॉरी टू से दैट आपकी टीम का स्टार आपका ओनर है. असली स्टार कौन है ये अब मैं बताऊंगा. तू मॉडल हो? जस्ट लुक एट योरसेल्फ. ओह माय गॉड, टायर्स हैंगिंग. नो नो नो, तुम विराज के साथ रैंप में बिल्कुल भी नहीं वॉक कर सकती. सॉरी, you are fired. Get lost. God, come on girls, action. I need action here. Excuse me, are you a model? Oh my god, tumhe to chalna tak nahi aata aur tum apne aap ko model kehti ho. Ramp modeling is not a joke, so you just get lost. And who are you? वो मैं फैशन शो के लिए आई थी. ओह रियली? तुम कहां से मॉडल दिखती हो? कभी शक्ल देखी आईने में? कम ऑन, गो एंड हैव अ लुक. देखिए, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मैं मॉडल, मुझे कंपनी ने भेजा है इवेंट की टीम के साथ काम करने का. माय गॉड, तुम्हारी जुबान बहुत चलती है और मुझे तुम जैसे टाइप नहीं चाहिए अपनी टीम में. सो यू आर फायर्ड. एक मिनट, ऐसे कैसे फायर्ड? मैंने आपसे कहा ही क्या? मैंने सिर्फ यही कहा. लिसन, आई जस्ट डोंट लाइक यू. डू यू अंडरस्टैंड? सो जस्ट गो. देखिए मेरी बात सुनिए, मैं पूना से आई हूं मुंबई इस इवेंट के लिए. तो मैं क्या करूं? तुम्हारी आरती उतारूं? तुम जाती हो कि मैं बुलाऊं सिक्योरिटी को कि तुम्हें धक्के मार के यहां से बाहर निकालें? आप ऐसे कैसे बात कर रही हैं? मैंने आपसे कहा ही क्या? व्हाट डू यू मीन? मुझे बात करने की तमीज नहीं है क्या? हाँ, अब तुम मुझे मैनर सिखाओगी? तुम हो कौन? देखिए, छोटा हो या बड़ा, इज्जत पाना हर किसी का हक है. यहाँ सब आपकी बात सुन रहे हैं, सब आपके आपके कहने पे सब कर रहे हैं, तो आप भी तो कोशिश. हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस? एक्सक्यूज मी मैम. मैम मैं अभी आई. अब तुम कहाँ जा रही हो? मैम, वो विराज जी के डैड के अकॉर्डिंगली उनका जोश का टाइम हो गया ना. तुम विराज की नहीं, मेरी असिस्टेंट हो. डू यू गेट दैट? और इसे बोलो जूस लेके जाएगी. ये मेरा काम है. आई विल डिसाइड कौन क्या काम करेगा यहाँ पे. डू यू गेट दैट? लेकिन क्या लेकिन? तुम्हें यहाँ काम करना है कि नहीं? करना है. तो जैसे मैं बोलती हूँ वो करो. विराज के पास जाओ जूस लेके.
एक मिनट, आप मुझे बता सकती हैं कि मिस्टर विराट सोलंकी का कमरा किस तरफ है? हाँ, वो सही है। थैंक यू। वाई सिंह ओबेरॉय ने तुम्हें 20 करोड़ में खरीदा है, तुम्हारी तो इतनी औकात ही नहीं। वाई सिंह ओबेरॉय जिसको खरीदता है ना, उसकी कीमत बढ़ जाती है। चाहिए। जस्ट गेट लॉस्ट। एक मिनट, मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? याद नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे कहीं देखा है या मैंने आपको कहीं देखा है, बल्कि मैं आपको जानती भी नहीं। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे नहीं जानती? मुझे? आर यू किडिंग मी? मैं इस देश का सबसे बड़ा क्रिकेटर हूं और तुम कह रही हो कि तुम मुझे नहीं जानती? देखिए, मैं क्रिकेट देखती नहीं हूँ और क्रिकेट खेलने वाले मुझे नहीं पता कौन है क्या है। ए लड़की, अनिका, मेरा नाम अनिका है। या व्हाटएवर, मैंने तुम्हें यहाँ टाइम पास के लिए नहीं भेजा था। सो नाउ गो एंड लुक आफ्टर द मॉडल्स। ये मिडिल क्लास गर्ल्स सेलिब्रिटी को क्या देखती हैं? बस चिपक ही जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तुमसे तुम्हारी ओपिनियन नहीं मांगी। ग्रीन रूम जाओ और अपना काम करो। वेरी सॉरी विराज, यू नो दीज गर्ल्स ना। वैसे उसने अपना नाम क्या बताया? अनिका, आई थिंक। अनिका, जानती हो वो लड़की कौन है? All I know is that she is a disaster. Disaster तो अब होगा। शिवाय सिंह ओबेरॉय, अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि मेरी कीमत क्या है और तेरी औकात क्या है। किसी ने रैंप वाली स्नो मशीन चेक की है क्या? Oh God, that is my work. और मैं भूल गई, मैम को पता चलेगा तो मुझे जॉब से निकाल देंगी। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं कर देती हूँ। बस मुझे यही बताओ कि करना क्या है। रैंप वॉक के वक्त जिस मशीन से स्नो फॉल इफेक्ट देना है, सिर्फ वो मशीन चेक करना है कि वो काम कर रही है कि नहीं। उस पर एक बटन होगा, उसको सिर्फ ऑन करके देखना है। ठीक है, मैं कर देती हूँ। गुड जॉब। मैंने काजल को बोल तो दिया कि मैं हेल्प कर दूंगी, लेकिन ये स्नो मशीन है कहाँ? ये है क्या? क्या है ये? लग तो यही रही है।
मुझे ऐसा क्यों लगा कि शिवाय यही है? अनिका, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अनिका मेरे आसपास ही है? कहता है तू है मेरे जीने की वजह, ओ जाना, ओ जाना, खोया खोया रहता है दिल तड़प के कहता है तू है मेरे जीने की वजह। लम्हा सा ठहरा हुआ है दिल यहाँ, महसूस कर ले तू जज्बात की खुशबू। ए लड़की, खुद से करूं क्या मैं बयां, दर्द है जो हल्का सा, ख्वाब ख्वाब छलका सा, तू मुस्कुराए हर जगह। कोई तो था यहाँ, कहाँ गया? खोया खोया रहता है दिल तड़प के कहता है तू है मेरे जीने की वजह, ओ जाना। जी बुआ जी, प्रणाम। मुझे शिवाय चाहिए, मैंने कहा था ना तुझे, लेकिन मेरा इतना सा काम तुझे हुआ नहीं अब तक। बुआ जी आप ही बताइए ना मैं क्या करूं, शिवाय तो मुझसे बात करना तो दूर मेरी तरफ देखते भी नहीं है। वो तेरी सरदर्दी है, मुझे शिवाय चाहिए मतलब चाहिए समझी, और ये मत भूल जिस काम के लिए तुझे भेजा है अगर वो काम तो नहीं करती तो तुझे बाहर निकालने में मुझे जरा भी टाइम नहीं लगेगा, समझी? जी बुआ जी समझ गई, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, शाम को शिवाय की पार्टी दावत है, मैं जरूर कुछ करती हूँ। कर, अगर तूने नहीं किया ना तो तेरी ग्रह दिशा में गाड़ दूंगी मैं, दांतों दांतों में। जी ग्रह दशा तो आपकी बिगड़ेगी बुआ जी, एक बार बस एक बार शिवाय मुझे सारी दुनिया के सामने अपनी बेली एक्सेप्ट, उसके बाद दूध में से मक्खी की तरह निकाल के आपको नहीं फेंक दिया ना तो मेरा नाम भी पूजा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।